एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम कोर्ट केस अपडेट को लेकर के। आप सबको पता होगा आयुष स्टूडेंट की तरफ से नेक्स्ट एग्जामिनेशन को लेकर के दो केस फाइल किया गया था, जिसकी सुनवाई का डेट जो है 3/4/2024 दी गई थी। आप सबको पता होगा, ठीक है। इसमें एक रिस्पॉन्डेंट अलग थे और जो दोनों का जो रिस्पॉन्डेंट एक NCISM था, एक NCS था। आप सबको पता होगा हियरिंग जो डेट थी वो हियरिंग डेट कब का था, 3/4/2024 का था, ठीक है। लेकिन टाइमिंग इशू के वजह से ये जो रिशेड्यूल कर दिया गया था 4/4/2024 को, 4/4/2024 को जब सुनवाई हुई तो उसमें कुछ कारणों की वजह से कुछ समय मांगा गया था जो रिस्पॉन्डेंट वकील थे उनके द्वारा, और हमारे तरफ से भी कुछ डाटा की इशू थी जिसको लेकर के एक वीक का समय मांगा गया था, जिसमें किस किस बैच को इफेक्ट पड़ रहा है, किस बैच से लागू करना है, ये भी सवाल था। तो कई सारे पॉइंट की वजह से नेक्स्ट डेट मांगा गया है। और आप सबको पता होगा कि 3 वीक का समय दिया गया था NCISM और NCH को एफिडेविट सबमिट करने के लिए कि नेक्स्ट एग्जाम आप क्यों लागू कर रहे हैं, जो उसने सबमिट नहीं किया था और उन्होंने कुछ समय मांगा था, ठीक है, जिसको लेकर के कोर्ट ने 1 वीक का समय दिया है। और नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो 10 अप्रैल 2024 आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट है, और होपफुली इस दिन आपका डिसीजन जो है वो बेहतर आएगा और पॉजिटिव डिसीजन आ सकता है दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतना समय से आप सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हो, जो लोग ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट इस पर मेहनत कर रहे हैं उन सबके साथ मिलजुल करके सहयोग जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।